हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। तो हम लोगों का खाना हो चुका है गाइस, तो अभी जा रहे हैं छत पे। एंड गाइस, हाँ एक बात और मैं आपसे बताया, आज मैं नहाया नहीं हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि आज सुबह सुबह लखनऊ में हुई है बारिश। और गाइस ये देखिए, यहाँ पर अपना कारोबार चालू कर रखी है। अभी हम लोग जाएंगे छत पे, तो हम यार एकदम बच्चे लग रहे हैं यार। तो अभी अपना परिचय बताओ, कौन हो तुम बताओ, इधर से बोलो बोलो। तो ये बोल नहीं देगा, मैं गूंगी हूँ। ये गूंगी है, बोल रही है। तो गाइस अभी ये लोग सब लोग लड़ाई कर चुके हैं, तो अब आई होप कि अब लड़ाई नहीं होगी। तो अब देख लीजिए, ब्लॉग नहीं बना देने दे रहा है गाइस। तो हम लोग चलेंगे छत पे और देखते हैं वहाँ का मौसम कैसा है, क्योंकि आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। तो चलते हैं छत पे, लेट्स गो। तो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं छत पे, एंड मौसम आप देख रहे हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो ये बाबू राव छत पे, एंड चलते हैं जल्दी जल्दी छत पे। और पीछे पीछे आपको दिख रहा होगा, हम लोग चल रहे हैं। फाइनली हम लोग छत पे आ चुके हैं, एंड यहाँ पर हवा आप लोग देख सकते हैं, हवा बहुत तेज चल रही है गाइस। ओ बहुत ज़्यादा थक गया ना, थकाई लगती है। आदमी नहीं क्या? अच्छा तुम आदमी हो, हम सोचे तुम औरत हो। ये आदमी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये गाइस। यहाँ का मौसम देखिए आप लोग, मेरे मौसम तो ये देख लीजिएगा, ये सही से रहता ही नहीं है। देख लीजिए, डंडा लिया, अभी एक कांच की गिलास फोड़ दी इसने। बाबू राव कह रही, अरे बाबू मेरे मर्जी से बाबू राव, पापा वाली गिलास इसने तोड़ दिया। अब देखो पापा आएंगे शाम को ड्यूटी, तो क्या बोलते हैं इसको। मैं पापा का बेटा हूँ रे बाबा, पापा मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। तो गाइज प्लीज़ यार, मेरा आज एक बहुत ज़्यादा गाइस वो हो गया, मैंने वीडियो अपलोड की आज सुबह, कल वाली वीडियो आज सुबह अपलोड की, तो गाइस उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया और कॉपीराइट क्लेम आ गया यार। मेरा पूरा व्यूज़ सब कुछ यार, मेरे लाइक मेरे कमेंट्स पूरे सारा कुछ मेरा, इतनी मेहनत पूरी बर्बाद हो गई गाइस। और इतना टाइम हो गया गाइस, और अभी फ़िलहाल 3 बज रहे हैं, और मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे पे कॉपीराइट क्लेम आया है, बट मैं कुछ कर नहीं पाया। क्या करूं, डिलीट मारना पड़ा उसको, तो उसको फिर डिलीट मार दिया गाइस। तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ गाइस। रोना आ रहा है गाइस, रोना रोना तो नहीं आ रहा, बट बुरा लगता है। इतना ज़्यादा मेहनत करो और फिर सारी मेहनत पर पानी फिर जाए, आप लोग समझ सकते हैं। तो क्या करूँ, पता नहीं कहाँ से आ जाता है गाइस। इतना कोशिश करता हूँ यार, म्यूजिक यूज करता हूँ, नो कॉपीराइट क्लेम वाला, फिर भी गाइस पता नहीं क्या हो रहा है, लोग इतना ज़्यादा फालतू वीडियो डाल देते हैं, उस पर कुछ नहीं आता कॉपीराइट, बट मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी फिर भी कॉपीराइट क्लेम आ गया। और वो हंस रही है उधर, आप देख सकते हैं मेरा यार पूरा एकदम मजाक बना के रख दिए हैं लोग, हंस रही है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्या हंस रही हो बताओ, क्यों हंस रही हो बताओ, क्यों हंस रही हो, बता दो। अरे दुपट्टा देखो, अरे ऐसे तुम चूतिया, डंडा कैसे करो उड़ जाएगा। तो गाइस देख लो, दुपट्टा इसका उड़ गया था, इतनी तेज हवा चल रही है। और ये
दुपट्टा हाथ से पकड़े तो डंडे से ऐसे उठा रहा है, बताओ डंडे से उठाएगा और नहीं उठ जाएगा इसके मतलब, तो अब क्या बताओ। तो बस यही ऐसे तो ये लोग ऐसे दिन भर करते रहते हैं। तो गाइस क्या करूं, बहुत दुख लग रहा था ब्लॉग बनाने का, एक भी मन नहीं कर रहा था मगर। तो गाइस अब जिसको कोई काम नहीं रहता है उसको नींद आती है। क्या काम रहता है बताओ, प्लीज मैम प्लीज मैम आप बहुत ज्यादा। रुकिए मैम, रुको, अरे आप मैम को हर्ट मत करो। अरे मैम तो देख लीजिए गाइस ये बता नहीं पा रही हैं। आपका दुपट्टा कहां गया, फिर उड़ गया क्या? तो गाइस देख लीजिए इसी तरह हम लोगों के बीच तीन, क्योंकि हम लोग अभी फिलहाल तीन लोग हैं और तीन लोगों की मस्ती मजाक। अच्छा आप बताइए सर, आपको आज का मौसम कैसा लग आपको सर आज का मौसम कैसा लग रहा है? बहुत सुहाना लग रहा है। सुहाना लग रहा है तो सर आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, आप कितना पढ़े लिखे? नहीं बता सकता आप। क्यों? अभी अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी सोचना पड़ेगा। अच्छा तो सर आप ये बताइए आपके अंदर कौन सा टैलेंट है? मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं बकवास बहुत अच्छी तरीके से कर लेता हूं। अच्छा रुकिए मैम, रुकिए एक मिनट, आप रुक जाइए भाई साहब, आप बताइए मैम क्या टैलेंट है इनके अंदर? इनके अंदर भिड़ाने वाला टैलेंट है। अच्छा मतलब ये भिड़ा देते हैं, इसलिए एक बोलते हैं, अगर ये कुछ बोलते हैं मैं मम्मी से बता देता हूँ, इसलिए दोनों लोग बोलते हैं कि मैं भिड़ाता हूं। जब बोलता है तो हम तो नहीं किसी से बताते थे, ये क्यों बताता है? हाँ तो आप तो भैया झूठे झूठ बताते हैं। झूठे झूठे क्या भैया, झूठे झूठे क्या है? काजल लगा रखिए, काजल गाना गा रही है। तो गाइस इसी तरह चलती रहेगी, और अगर आपको हमारी बकवास पसंद है प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर और सब कुछ करिए जितना। तो गाइस आज तुम नहाए हो? हाँ। तो गाइस ने नहाया और मैं नहीं नहाया हूँ, देख लीजिए फर्क। गाइस मेरे पास काम है, इनके पास काम है। ओ क्या काम किया हो? अच्छा चलो बता दो, आज सुबह से बताओ। एक गिलास तोड़ दिया फिर भी काम ही नहीं। गिलास तोड़ना देख लीजिए इसका काम है। अच्छा बताइए, मेरे पैर मिल जाता है, खून बह जाते हैं, कितनी नहीं चिंता है। गिलास तोड़ी इतनी चिंता है। वाह वाह, दो आंख दिए है दिखाई नहीं देता। आप तो आती माँ तीन तीन गिलास तोड़ दी मुझसे तो अभी। तो गाइस देख लीजिए ये इसका चेहरा देखिए गाइस सीरियस हो गया है, देख लीजिए गाइस ये ऐसे ही करता है और झगड़ा कर लेता है, देख लीजिए। तो देख लीजिए गाइस, तो ये हम लोग तीन लोगों का कॉम्बिनेशन है, हम लोग इसी तरह मस्ती मजाक करते रहते हैं। और है आज मैं जान गई, मुझे मैं कभी भी झूठ नहीं। गाइस दिल के गहराइयों से इतना ज्यादा बुरा लगा था गाइस, अब मैं क्या बताऊं। ये तीन गिलास तोड़ दी मैंने, कुछ नहीं बोल पाई, आज मुझसे एक गिलास टूट गए तीनने। गाइस अब मैं क्या बताऊं, एक खम्भे वाली गिलास थी ना जो ऐसे ऐसे कुकरती गमले जैसे ना, वो वाली गिलास तोड़ दी मैंने, कुछ नहीं बोली। वो मेरी फेवरेट गिलास थी, एक सिर्फ बची थी, मैंने कुछ नहीं बोला। और कप दो, एक भैया तो है कप, एक ये तो ही कप। अच्छा जरूर। तो गाइस आप इसकी बातों से ये मतलब आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसके अंदर जलन। हम लोगों ने कुछ नहीं बोला मतलब इन सब बारे में, बाकी ये इतना ज्यादा मतलब कि डीपली ले जाकर रो, ये तो रो भी देता है, अब हम लोग क्या रोए। आप लोग तो बड़े हैं तो अब आप तो रोते हैं। देख लो अब इंसान है अपने इमोशन को कंट्रोल में नहीं रख सकता गाइस, अगर उसको हर्ट होता है तकलीफ होती है तो वो रोता है, और जिसके अंदर वो है ही नहीं है तो वो क्या रोएगा। गाइस मैं तो डेली रोता हूँ। तो गाइस आपको भी पता हो घर में अगर कोई बच्चा रहता है तो वो जिद करता है, अगर उसकी जिद नहीं पूरी होती तो वो रोता है, तो उसी प्रकार इनका ये बोल दिए हमको ये चाहिए मम्मी से, रोने लगा भाई इनको ये चाहिए तो रो, तो ये मतलब फालतू वाली चीज है कि मांग ना पूरी हो तो रोने लगो। हाँ तो वही इनका यही मैटर है। तो गाइस हवा बहुत ज्यादा चल रही है, तो गाइस अभी हम लोग बस ऐसे ही टहल रहे हैं। और गाइस एक बात का मुझे बहुत ज्यादा दुख है गाइस, मेरे यार वीडियो पे यार
बार बार क्लेम आ जा रहा है यार, एक वीडियो मेरा फालतू में ऐसे ही चला गया, बट कोई बात नहीं यार, आज बुरा हो रहा है तो कल अच्छा होगा और आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे, बस इसी उम्मीद से वीडियो बना रहा हूँ गाइस, प्लीज गाइस सपोर्ट करिए गाइस। तो गाइस देखिए ये लोग मस्ती कर रहे हैं, तो गाइस देख रहे हो ये लोग अभी ऐसे से करके लड़ाई कर लेंगे। एक बार साइड थोड़ा डांस कर दो, मैं सामे वाले गाने पे आजा सामे दे सामे सामे सामे। तो गाइस आज शायद तेरी वो जो एक गाना है ना तेरी झलक सरफी सी वाली, उस पे डांस करेगा, चलो करो डांस करो। कैसे? यही तेरी झलक सरफी, चलो मैं गाना गा रहा हूँ ठीक, चलो तेरी झलक सरफी सी वल्ली नैना मदक बर्फी पागल और क्या, इसको पता नहीं कहा कि बर्फी होता है, कह रही बर्फी कहाँ से आ गई, अभी बर्फी का इंसान होने लगा क्या। तो गाइस बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक हो गई, तो आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं एंड आई होप आप लोग को ब्लॉग देखकर काफी ज्यादा मजा आया होगा। गाइस तो मैं दिल से गुड बाय बोलना चाह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आप भी बोल दो गुड बाय बोल दो।